कोटा में राज्य कृषि विपणन बोर्ड में रिश्वतखोरी का खेल उजागर हुआ है। यहां जयपुर एसीबी की टीम ने जाल बिछाते हुए मंडी के सचिव आरपी कुमावत और जेएन एक्सएन केशर सहित 5 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। सड़क निर्माण के बिल मार्केटिंग बोर्ड से पास कराने के एवज में ठेकेदार से 3,68,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। परिवादी ने सीधे ही जयपुर में डीजी से इसकी शिकायत की। आज एसीबी ने कोटा भामाशाह मंडी स्थित कृषि विपणन बोर्ड के दफ्तर पर दबिश देकर मंडी सचिव आरपी कुमावत के लिए 1,00,000 रुपए की रिश्वत ले रहे एएन अमर सिंह और जेएन सोमेश अग्रवाल को रंगे हाथों धर दबोचा। वहीं बिल पास करने के लिए 2% कमीशन मांग रहे एक्सएन प्यारेलाल को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा गया। वहीं एसीबी ने कैशियर साजिद हुसैन को भी उसकी हिस्सेदारी के 10,000 रुपयों के साथ पकड़ा है। एसीबी ने फरियादी के नाम को उजागर नहीं किया है, लेकिन एसीबी पिछले कई दिनों से इन सभी अधिकारियों के पीछे लगी हुई थी और आज मंडी सचिव आरपी कुमावत सहित 5 अधिकारियों को धर दबोचा गया। आईएन जो अमर सिंह मीना है, उसने 3,68,000 रुपये की रिश्वत की मांग की और जो एक्सएन है उसने 2% के हिसाब से, जो बिल पास होता है उसने 2% के हिसाब से उसने डिमांड की। जो मंडी सचिव जो डॉक्टर आरपी कुमावत है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग उसका बोर्ड का मेंबर है खुद, उसने 2% की बात करी। जेएन से हमारी सीधी बात नहीं हुई थी, लेकिन आईएन ने उसके संबंध में बात करी थी और आज वो रंगे हाथों आईएन ने पैसे लिए और उसने जेएन को दिया। जेएन से रंगे हाथों 1,00,000 रुपये बरामद हुआ है। 3,68,000 रुपये हमारे परिवादी के पास अवेलेबल नहीं थे, तो उसने 1,00,000 रुपये दिए और 1,00,000 रुपये देते हुए आईएन ने लिए और जेएन से बरामद हुए हैं। एक्सएन ने 10,000 रुपये लिए और वो उसकी रेख से बरामद हुए हैं। जो केशियर है साजिद हुसैन, उसने 50 पैसे जो उसका हिस्सा होता है कि जो पास हुआ उसका हिस्से के संबंध में उसने डिमांड करी थी, उसके 10,000 रुपये आज बरामद हुए हैं। और हमने इनको, इनकी जब डील हुई परिवादी से, इन्होंने पैसे लिए, क्योंकि मंडी सचिव से भी हमारी मांग सत्यापन हुआ था, उसको सत्यापन करने के लिए यहाँ बुला करके रूबरू आमने सामने कराया, तो उसने इस बात को की पुष्टि